please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बाबा राम रहीम के जेल जाने के बाद अब अखाड़ा परिषद ने फर्जी बाबाओं की एक सूची जारी की है। इस सूची में हिंदू धर्म के नाम पर अपनी अलग शाखा चलाने वाले 14 बाबाओं के नाम हैं। अखाड़ा परिषद ने यह कहा है कि इन्हें बाबा नहीं कहा जाए और इन सब के खिलाफ सरकार को जांच करानी चाहिए। अब नहीं चलेगी फर्जी बाबागिरी। फर्जी बाबाओं पर अखाड़ा परिषद की नकेल। हिंदू धर्म की मुख्य धारा से अलग हिंदू धर्म के नाम पर तमाम चोगाधारी और भगवाधारी बाबा इस वक्त मिल जाएंगे। इन्हीं बाबाओं के चलते इतने डेरे और इतने पंथ खड़े हो गए हैं कि गिनती के बाहर हैं। जब जब ये बाबा किसी भी गलत काम और व्याभिचार के दोषी पाए जाते हैं, कलंक का टीका हिंदू धर्म के तमाम बाबाओं के माथे पर लगा दिया जाता है। फर्जी बाबाओं की लिस्ट में शामिल राम रहीम को बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा होने के बाद अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ऐसे फर्जी बाबाओं पर नकेल कसने की तैयारी की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ऐसे फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी की है जो धर्म के नाम पर धंधे की दुकान खोले बैठे हैं और हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। फर्जी बाबा मीडिया की तरफ से उपस्थित होते हैं कि फलाने वाला फलाने बाबा, उनके लिए हम लोग बहुत ही हृदय से दुखी हो गए कि जहां देखिए वहां बाबाओं को बदनाम किया जा रहा है, वो सब बाबा लोग नहीं है। इसलिए हम लोगों ने गहन विचार करने के बाद आज जो है उन बाबाओं की लिस्ट जारी कर रहा हूं जो फर्जी है, पाखंडी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की ओर से जारी की गई लिस्ट में 14 बाबाओं के नाम है। ये बाबा है आसाराम बापू, राधे माँ, सचिदानंद गिरी, डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत सिंह, स्वामी ओम, निर्मल बाबा, इच्छाधारी भीमानंद, असीमानंद, नारायण साईं, रामपाल और मलखानगिरी। इन बाबाओं में से आसाराम एक नाबालिग लड़की के बलात्कार का आरोपी है और जेल में बंद है। आसाराम हिंदू धर्म के नाम पर अपना आश्रम चलाता रहा है और राम रहीम बलात्कार का दोषी साबित होकर जेल काट रहा है। अखाड़ा परिषद ने इन बाबाओं की लिस्ट जारी करते हुए कहा है कि इनके खिलाफ सरकार को जांच करनी चाहिए, उनकी संपत्ति को जांच कराई जाए, उनकी जांच कराई जाए। कुछ तो जल्द चले गए, बाबा रामपाल जेल में है, आसाराम जेल में है, गुरमीत सिंह जेल में है, इनकी भी कार्रवाई करके इनको जेल में डाला जाए। ऐसे महात्मा जो बदनाम करते हैं इनपे कार्रवाई की जाए। फर्जी बाबाओं की लिस्ट तो जारी हो चुकी है, लेकिन क्या वाकई इन बाबाओं पर नकेल लग पाएगी? जिन तथाकथित संतों को अखाड़ा परिषद ने पाखंडी घोषित किया है उनमें कई बड़े नाम हैं। इनमें से कुछ तथाकथित संत ग्लैमर के दीवाने हैं। ये टीवी पर और अपने भक्तों के बीच भरपूर ग्लैमरस अंदाज में नजर आते हैं। ओम जी महाराज, पूरा नाम सदाचारी साई बाबा ओम जी महाराज। मेरा नाम डॉक्टर स्वामी ओम जी महाराज है, मैं तंत्र का प्रकांड विद्वान हूँ। और काम इसकी तो बाबा के पास लंबी चौड़ी लिस्ट है। मैं 24 घंटे में 22 घंटे मैं लोगों की भलाई करता हूँ। मेरा जीवन सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही बना है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत मैं यही करता रहूंगा और मरने से पहले इस दुनिया को मैं स्वर्ग बना करके जाऊंगा। पिछले साल न्यूज 18 इंडिया के स्टूडियो में लाइव डिबेट के दौरान एक महिला साध्वी के साथ मारपीट कर सुर्खियों में आए ओम जी महाराज, उसके बाद लगातार गलत वजहों से ही चर्चा में बने रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया के स्टूडियो में अभद्र टिप्पणी करने के कारण महिला ने पहले उनको थप्पड़ जड़ा, जिसके बाद ओम जी ने भी पलटवार करते हुए महिला को थप्पड़ मार दिया। हालांकि इस घटना के बाद न्यूज 18 इंडिया ने दोबारा कभी भी ओम जी को स्टूडियो में होने वाले किसी डिबेट शो में नहीं बुलाया, लेकिन ओम जी आगे भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और कलर्स के शो बिग बॉस में भी किसी न किसी गलत कारणों से लगातार सुर्खियां बटोरते रहे। शो में भी बदतमीजी करने की वजह से ओम जी महाराज को शो से निकाल दिया गया था।
ओम जी महाराज पर चोरी, आर्म्स एक्ट, मसाज पार्लर की आड़ में ब्लैकमेल करने समेत जमीन पर कब्जा करने के ऐसे करीब आधा दर्जन से ज्यादा मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। बीते अगस्त को ही ओम जी महाराज को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस दीपक मिश्रा को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने वाले स्वामी ओम जी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया। अब अखाड़ा परिषद से रोक लगाए जाने के बाद बाबा ओम जी महाराज ने अखाड़ा परिषद के अस्तित्व को ही चुनौती दे दी है। वो लोग खुद ही फर्जी हैं, मैं जानता हूं इन सभी को, क्योंकि मेरे जो गुरुजी थे स्वामी कर्पात्री जी महाराज, उनके ये लोग चरण धूली भी नहीं हैं। और मैं इन लोगों को चैलेंज करता हूं कि किसी भी टेलीविज़न चैनल पे आ जाएं लाइव डिबेट में, मैं इनको साबित कर दूंगा कि ये नकली हैं और मैं असली हूं। अखाड़ा परिषद भले ही लिस्ट जारी कर चुका हो, लेकिन ये तथाकथित बाबा ओम उसे मानने को तैयार ही नहीं है। स्वामी ओम के साथ साथ अखाड़ा परिषद ने खुद को देवी कहने वाली राधे माँ को फर्जी बाबा घोषित किया। मशहूर होने से पहले राधे माँ उर्फ सुखविंदर कौर लोगों के कपड़े सिलती थी। 21 साल की उम्र में महंत रामाधीन परमहंस की शरण में पहुंची और सुखविंदर से राधे माँ हो गई। माया नगरी में राधे माँ के कई सेलिब्रिटी भक्त, लेकिन सुखविंदर कौर से राधे माँ बनने की हकीकत विवादों के जिस रास्ते से गुजरी, उनमें से एक किरदार है मनमोहन गुप्ता। मुंबई के मशहूर कारोबारी MM मिठाई वाला के मालिक मनमोहन गुप्ता वही शख्स हैं जिन्होंने सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ को मुंबई में सबसे पहले पनाह दी थी। लेकिन जब राधे माँ के साथ कई तरह के विवाद जुड़ने और बढ़ने लगे, तो उन्होंने राधे माँ को अपने बंगले से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुंबई पुलिस के सामने मनमोहन गुप्ता ने जो शिकायत दर्ज कराई है, उसके मुताबिक राधे माँ ने उनके बंगले पर कब्जा करने की कोशिश की है। इसके लिए फोन पर धमकी दी गई, बंगला खाली नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी भरे फोन पंजाब के नंबरों से किए गए। कारोबारी की शिकायत पर राधे माँ के खिलाफ IPC की धारा 507 के तहत केस दर्ज किया गया था। ये धमकियां कौन दे रहे हैं और किस जरिए से आपको धमकी मिल रही है? सुखविंदर कौर दे रहे हैं उर्फ राधे माँ टेलीफोन पर खुद और अपने साथियों के द्वारा। मुंबई की एक वकील फाल्गुनी ब्रह्म भट्ट भी राधे माँ के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में धर्म के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी, अश्लीलता फैलाने का केस दर्ज करा चुकी है। राधे माँ की भक्त रह चुकी TV कलाकार डॉली बिंद्रा भी राधे माँ पर यौन शोषण, अश्लीलता, ड्रग्स कारोबार का केस कर चुकी है। राधे माँ के खिलाफ IPC की धारा 354, 109, 294, 504 और 506 के तहत केस दर्ज। अखाड़ा परिषद द्वारा जारी की गई नकली बाबाओं की लिस्ट में राधे माँ का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट को लेकर जब हमने राधे माँ की टीम को संपर्क करने का प्रयास किया, तो उनकी टीम ने इस मुद्दे पर बात करने से साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि नो कमेंट्स। इस वक्त हम जिस इलाके में खड़े हैं, ये इलाके में ये जो घर आपको नजर आ रहा है, इस घर में राधे माँ अपने भक्तों से मुलाकात करती है। एक अनुमान के मुताबिक राधे माँ के पास 1,000 करोड़ की संपत्ति है। 6 सितंबर को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट राधे माँ के नाम से जुड़े मानहानि मामले में कपूरथला के SSP संदीप कुमार को नोटिस जारी किया है। कपूरथला SSP पर आरोप है कि वो कोर्ट के आदेश के बावजूद राधे माँ के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फगवाड़ा के रहने वाले सुरिंदर मित्तल ने 2015 में राधे माँ के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने और धमकाने की शिकायत दर्ज कराई थी। अखाड़ा परिषद की लिस्ट में उन बाबाओं के नाम हैं जो धर्म के नाम पर अरबों रुपयों का साम्राज्य खड़ा कर चुके हैं, जो धर्म के नाम पर यौन शोषण और देह के धंधे में लिप्त रहे हैं। जिन बाबाओं को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने फर्जी घोषित किया है, उनमें से एक चेहरा ये भी है। इसे कहते हैं
इच्छाधारी भीमानंद। इच्छाधारी बाबा के नाम से मशहूर भीमानंद अब जेल में है, लेकिन सेक्स रैकेट के मामले में गिरफ्तारी से पहले तक उसने काली कमाई से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। जब उसकी पोल खुली तो पता चला कि वो 600 से ज्यादा हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल का नेटवर्क चलाता था। भीमानंद के ग्राहकों में कई बड़े नाम थे। भीमानंद तो सलाखों के पीछे है, लेकिन हैरत है कि उसके हाई प्रोफाइल ग्राहकों के नाम कभी सामने नहीं आए। धर्मनगरी चित्रकूट। करीब 23 साल पहले इसी धर्मनगरी से इच्छाधारी नाम वाला एक शख्स निकला और दिल्ली पहुंच गया। काम की तलाश में वो नेहरू प्लेस के एक 5-स्टार होटल में सिक्योरिटी गार्ड बना, फिर पहुंचा लाजपत नगर के एक मसाज पार्लर, जहां उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिला। 1997 में वो पहली बार देह व्यापार में पकड़ा गया। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए उसने दाढ़ी मूछ बढ़ाई, भगवा चोला पहना और इच्छाधारी संत स्वामी भीमानंद जी महाराज चित्रकूट वाले बन गया। उसने खानपुर में साईं बाबा मंदिर बनाया और प्रवचन देने लगा। सेक्स रैकेट चलाने का उसका तरीका भी अजीब था। जब उसे कोई फोन आता तो वो जय श्री राम कहकर बात शुरू करता था। अगर सामने वाला धार्मिक शख्स होता था तो वो धर्म की बातें करता था। अगर कोई क्लाइंट होता था तो इच्छाधारी धंधे की बात पर उतर आता था। अगर इसको लगता था कोई जेन्युइन साई भगत है तो उससे उसी टोन में बात करता था, लेकिन अगर इसको लगता है कि जो इसकी वेबसाइट के जरिए इसने अपना नंबर दे रखा था, अगर इसको लगता था कि इस आदमी का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है तो उससे उसी टोन और लहजे में बात करता था। फिलहाल ये ढोंगी बाबा जेल में है। इस ढोंगी के अलावा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने संतई के बहुत बड़े नाम रहे आसाराम बापू को भी बाबा कहने पर पाबंदी लगाई है। आसाराम बापू अपने सत्संग कार्यक्रमों में नाचने गाने के लिए बहुत मशहूर था। आसाराम पर उसके ही आश्रम की एक किशोरी ने यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। नाबालिग लड़की के मुताबिक जोधपुर के करीब मनाई गांव के अपने आश्रम में उसका यौन शोषण किया गया था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली यह लड़की आश्रम में छात्रा थी। आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया था और तभी से वो जेल में है। 25 अगस्त को आसाराम केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में अब तक पीड़ितों के बयान क्यों नहीं दर्ज किए गए हैं। फर्जी बाबाओं की इस फेहरिस्त में सिर्फ आसाराम ही नहीं बल्कि उसका बेटा नारायण साईं भी है। नारायण साईं भी अपने पिता की तरह धर्म की ध्वजा उठाए बाबा बना बैठा रहा। नारायण साईं पर भी महिला के यौन शोषण का आरोप है। सूरत की एक महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में नारायण साईं को गिरफ्तार किया गया था। साईं को दिसंबर 2013 में लाजपोर सेंट्रल जेल भेजा गया था। अखाड़ा परिषद की ओर से जारी गई लिस्ट में तो 14 बाबाओं के नाम है। इनमें से ज्यादातर यौन शोषण और फर्जीवाड़े जैसे गंभीर आरोपों में या तो जेल में हैं या फिर जमानत पर। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो धर्म के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं। अखाड़ा परिषद ने लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन देखना होगा कि क्या अखाड़ा की सुनवाई भी होगी।